सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए शाम को पेट्रोनास टावर मलेशिया के अंदर, और अभी जाने का टाइम हमारा 5-7 मिनट बचे हुए हैं, लाइन में लगते हैं। अनीता भी तैयार होके आ गई है, चलते हैं अभी अंदर। और बाहर से कुछ व्यू इस तरह का, देखिए कितना ऊंचा है, ओह माय गॉड। हमने ऊपर जाना है अभी इसी टावर में। सो बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, ये देखिए शाम का कुछ व्यू ही कुछ और है। मौसम भी बहुत बढ़िया है और बिल्डिंग्स देखिए चारों साइड आप। दिस इज कुआलालंपुर मलेशिया, ट्रूली एशिया। मैडम जी चलें? चलो नहीं तो नंबर कट जाएगा वहाँ पे अपना। लेट्स गो। चलो जी चलो, लेट्स गो। यहाँ से इधर से सो गाइस फाइनली हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। ओके प्लीज तो ऐसा कुछ नजारा है अंदर का। ओके कम सर, कम कम हियर प्लीज। ओके अभी हम लोग 41st फ्लोर के ऊपर आ गए हैं और अभी 41st पे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द स्कैबरिश, वेलकम टू द प्रेस्टीज टावर। सो हियर यू आर गिवन इज अबाउट 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स वी गो अप टू द टॉप टू लेवल 83 एंड 86। सो व्हेन योर ग्रुप रेडी टू गोइंग अप, आई विल कॉल योर स्टिकर कलर ग्रीन। When we call for the green sticker, we want all of you to come back here and assemble inside the barricade area over there, okay? Thank you. सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम 41st फ्लोर के ऊपर, और ऊपर से ऐसा नज़र आता है पेट्रोनास टावर्स के ऊपर। हम लोग इस टाइम पे हैं और ये बारिश की वजह से शीशे में थोड़ा पानी आ गया है तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट फिर भी चलो आप देख पा रहे हैं। और इस साइड का बैक साइड का व्यू कुछ इस तरह का है। बहुत ही प्यारा व्यू है नीचे, देखिए आप क्या बात है, नज़ारा ही देखते ही बनता है यहाँ। कैमरे में तो इतना अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप फिजिकली यहाँ पे होएंगे तो इसका नज़ारा ही कुछ और है, ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स हम इस टाइम 170 मीटर्स के ऊपर हैं और यहाँ से अभी आगे जाएंगे। सो गाइस 83 फ्लोर्स के ऊपर पहुँच गए हैं इस टाइम पर हम लोग। tallest building in the world. So 83rd floor है पेट्रोनास टावर का। ऊपर हम इस टाइम पहुंच चुके हैं। ये 86 लेवल है पेट्रोनास टावर का। सो ये रेप्लिका कुछ इस तरह का है यहाँ का, और यहाँ भी एक बना हुआ है बहुत ही बढ़िया। अच्छा अपनी फोटोज भी देख सकते हैं आप इसके अंदर, देखिए अपनी फोटोज भी हम कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह कैमरेज लगे हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा रेप्लिका बना हुआ देखिए यहाँ पे, अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है इस टाइम पे। सो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है सभी लोगों के लिए। चलिए उधर भी देखते हैं वहाँ पे क्या है। अच्छा ये मलेशिया का लगता है पूरा, कुआलालंपुर का पूरा दिखाया हुआ इन्होंने। हाँ ये कुआलालंपुर ऐसा नज़र आता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो, इस तरह की सब बिल्डिंग्स वगैरह हैं। आपको एक टूर करा देता हूँ यहाँ का। ये एक्चुअल में ऐसा ही है जो यहाँ पे बना हुआ है पूरा, अगर आप प्रॉपर जाएंगे बाई रोड तो सारा कुछ आपको ऐसा ही नज़र आएगा। तो जगह जगह टीवीज़ लगे हुए हैं और रात का व्यू कुछ इस तरह का है।
बारिश हो चुकी है इस टाइम पे, एक्चुअली अंधेरा भी हो गया तो क्लियरिटी इतनी आएगी नहीं कैमरे के अंदर, बट जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है इतने ऊपर आके। टू मच ऑफ हाइट, हाँ क्लियरिटी नहीं है एक्चुअली इतनी ज़्यादा, सॉरी। तो चलो वी कैन स्टिल एंजॉय इनसाइड, दिस इज हाउ इट इज़। इसके लिए हमने बहुत पापड़ बेले एक्चुअली टिकट लेने के लिए, टिकट इजीली मिलती नहीं है, ऑनलाइन तो दिखाई नहीं रहा था कि टिकट्स हैं, बट स्टिल वी ट्राइड। ये देखिए कैमरे में हर चीज़ नहीं आएगी ना, ऊपर से तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, है ना, कहना खत्म नहीं वो देखना रोड की, रोड दिख रही नीचे, रोड दिख रही थोड़ी बहुत, फोर सीजन्स है ना, है ना भाई, यहाँ पे इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई हुई है ना सारी, उनका डिजाइन इतना अच्छा है, देखने में जो अच्छा मस्त लगते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलो वहाँ पे वो भी लगा हुआ है, दूरबीन भी लगी हुई है, उससे देखते हैं, बाइनोकुलर्स वगैरह लगे हुए हैं, स्क्रीन के ऊपर देखिए आप कैसी फैसिलिटी है कि आपको ऐसा लगे पेट्रोनास जो है आपने हाथ में उठा लिए, टावर्स जो है क्या इन्होंने वो डिजिटलाइजेशन की हुई है, मस्त एकदम, हर जगह ऐसा ही है, किसी भी एंगल से आप खड़े हुए तो आपके लगता है आपके हाथ के अंदर ही है। चलिए उधर भी देखते हैं, आ जाओ ये सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका दूसरा टावर है, देखिए इतने इस लेवल के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं, और नीचे आप देखेंगे तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा, बहुत ऊपर है इस टाइम, बहुत ऊपर है, ये देखिए ऐसा नज़र आ रहा है इस टाइम पे यहाँ से, एक्चुअली बारिश नहीं होती तो और ज़्यादा मज़ा आता देखने में। How much time? 10-15 minutes. 10-15 minutes. कॉफ़ी पियो, फोटो खींचो, और यहाँ से शहर देखो नीचे, शहर कैसा नज़र आता है, ये ट्विन टावर का दूसरा हिस्सा देख लो, कहाँ तक ऊपर तक दिख रहा है, यस दिख रहा है, और नीचे तक इतना ही दिख रहा है बस, क्योंकि हम अभी 83rd फ्लोर के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से नज़ारा इस जाने देते ना मैं। सही बोल रही है, सही बोल रही है भाई, सही बोल रही है, दिखाई दे रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर है बीच बीच में ना, एक्चुअली कोई शीशे थोड़े बहुत क्लियर हैं, इतनी क्लियरिटी तो नहीं है जैसे जहाज से नज़र आती है ना चीज़ें, गोरे गोरे सब घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो एक चक्कर लगाते हैं कहाँ पे क्या कुछ है, हाँ कॉफ़ी ले लेते हैं ना, ओके। सो गाइस पेट्रोनास का टूर ख़त्म करके हम लोग आ गए नीचे, और इतना वर्थ तो है नहीं, सीधी सी बात है, अगर कुछ वर्थ होता तो मैं बताता आपको, पर ठीक है एक एक्सपीरियंस था वो हमने ले लिया यहाँ पे, और अभी थोड़ा मॉल की तरफ जाते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं मॉल वगैरह में क्या कुछ है, यहाँ भी बड़े बड़े वो हैं ब्रांड्स हैं, हमारे लिए तो नहीं है पर लोग यहाँ पर दब के ख़रीदारी करते हैं, पर काफ़ी अच्छा मॉल है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लोग ना रात को ज़्यादा निकलते हैं एक्चुअली शॉपिंग वगैरह के लिए। वाह क्या बात है, ये तो अपनी एम्बेसडर की तरह लग रही है भाई गाड़ी, पुराना मॉडल एम्बेसडर का जो हुआ करता था, क्या बात।
मस्त है भाई, कैसा लगा? मॉल तो बढ़िया है, नहीं ब्रांड है ना यहाँ पे, और क्या ब्रांड तो है सब जगह एक जैसे।